सर आगे। मैं एक बार और बोलना चाहूंगी, फिर जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है ये था, मुझे जैसे मैंने लेट स्टार्ट किया था, तो मैंने जून एंड में स्टार्ट किया होगा, लाइक जून 15, तो मैंने तब से स्टार्ट किया। तब मैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने 10th से कोचिंग करा था अपने टाइम पे सैटेलाइट, तो मैंने उसको स्टार्ट किया, उन्हीं सब्जेक्ट से रिवाइज करना स्टार्ट किया। तो तब मैं ठीक जा रही थी, तो मैंने लाइक 2 मंथ अच्छे से पढ़ाई किया विद क्वेश्चन बैंक, आई वाज गोइंग थ्रू मैरो क्वेश्चन बैंक, देन सडनली आई स्टार्ट डिटेरियरेटिंग। मतलब मैं अपना जितना टारगेट रख रही थी कि मैं एक दिन में नोट डिसाइड करती थी कि मुझे 2 दिन में ये शॉर्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे 4 दिन में ये लाइक कोई भी PSM कंप्लीट कर लेना है, गायनी कंप्लीट कर लेना है, मैं वो चीज कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे मेरा ऐसा हुआ कि मैं वो चीज को डिसाइड कर रही हूँ, तो मैंने जब से पैथो जो सब्जेक्ट थे मेरे जो वीक थे, जिनकी मैंने लाइक 10th से कोचिंग भी नहीं किया था, फिर मैंने पैप लेटर ऐप ले रखा था, उससे मैं उसको एक बार पढ़ चुकी थी और फिर मैं नोट से रीड कर रही थी। तो जब मैं पैथो फार्मा और ये एनाटमी आई सर, तो फिर मैं मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई, और मैं जितने दिन में सब्जेक्ट करने थे वो मैक्सिमम मैक्सिमम मैंने लगा रखा था, लाइक मैं 10 डेज में पैथो करूंगी, 15 डेज तक तो कर ही लूंगी एनी हाउ, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैं उन सब्जेक्ट का लाइक जनरल और हिमैट करके पैथो का छोड़ दिया, सिस्टमिक मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही सब्जेक्ट मैंने उस जब मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर से सब्जेक्ट स्टार्ट करे, तब से मैं बहुत पीछे हो गई और अपने टारगेट रीच नहीं कर पाई। तो उस वजह से अब मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बहुत सब्जेक्ट रह गए हैं, और मुझे रिवीजन भी स्टार्ट करना है, और फिर एग्जाम डेट भी आ गई। तो मैं मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्या, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि लाइक इट इज लाइक गोइंग टुवर्ड्स फेलियर, और आई हैव ओके लूज ओके ऑलरेडी ऑलरेडी आई एम ओके फीलिंग लाइक दिस। ओके मैं समझा। देखो, दो प्रॉब्लम मेरे को समझ में आया तुम्हारी बातें सुन के। एक प्रॉब्लम यह है कि तुम जो है सबको, सारे सब्जेक्ट्स को दे रही थी टाइम अलॉट, जो कि मैक्सिमम है। एक यहाँ पे थोड़ा सा हाँ प्लानिंग में मिस्टेक है। देखो, तुम जितना भी टाइम अलॉट करो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि तुम जो है बेसिकली कोशिश करोगी कि मतलब बाय द एंड की वो चीज कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा। तो अगर तुम 10 डेज देती हो किसी को, तो तुम्हारे 10 डेज के बाद भी वो 3 4 दिन का सामान बचा रहेगा पढ़ने का। तो अगर तुम 10 डेज की हाँ जगह उसको 2 दिन कम दो, तो होगा क्या ना कि 8 डेज की जगह, मतलब 8 डेज में तुम जितना पढ़ी रहोगी, फिर 10 डेज में तुम फाइनली उसको खत्म करोगे। तो एक चीज हम मतलब आगे से जो फ्यूचर प्लानिंग करोगी उसमें मैक्सिमम टाइम नहीं देना होता है। एक मतलब एक ऐसा मतलब कोई टारगेट अगर कोई चूज करेगा, तो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि तुमको वो एक्साइट करे काम करने के लिए। तुम टारगेट अगर हाँ छोटा या इजी टारगेट चूज करोगी, तो ना वो तुमको एक्साइट करेगा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, और ना ही तुम करोगी। तो अगर 10 डेज हाँ लगता है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम उसको 8 डेज दो। 8 डेज में ट्राई करो, क्योंकि तुम फिर सोचोगे कि मेरे को जल्दी करना है, तो तुम एक एक्स्ट्रा एफर्ट दोगी अपनी तरफ से। तुम थोड़ा हो सकता है 1 घंटा ज़्यादा पढ़ोगी कि उसको मैं 8 डेज में कंप्लीट करना है, 6 डेज में कंप्लीट करना है। उसके बाद तो मेन एम क्या है हमारा, एग्ज़ाम के पहले पहले मतलब तुम एक सेल्फ इतना गेन कर लेना है कि हम एग्ज़ाम अच्छा दे पाए और सेलेक्ट हो पाए। तो उसके लिए देखो, एग्ज़ाम का डेट तो फिक्स है, उसके पहले का ही सब गेम है। तो एक तो यहाँ प्रॉब्लम है जो कि आगे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत जल्दी रिजल्ट मतलब अपने अपने को जज कर रही हो, मतलब बेसिकली कि तुम लैक कर रही हो या तुमसे हो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स बचे हाँ हुए सर, हैं। मतलब मैं सितंबर से बहुत, हाँ मतलब तो मैं अपने आप को बहुत ऐसे लाइक मैं उसकी वजह से, जो मैं पीछे थोड़ा थोड़ा कम हाँ, होता गया उसकी वजह से तो मैंने ये क्या रिजल्ट है ना, ऐसे ये सोच एक रखा विस्कस है। साइकिल है। तुम अपने अपने जो जजमेंट से अपने आप को ही तुम मतलब जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन है उसको भी किल कर रही हो। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कंपेयरिंग थिंग्स विद अदर्स, कि अभी दूसरों का एक एक रिवीजन चालू हो गया है, मेरा क्यों नहीं चालू हुआ है, मेरा हुआ नहीं है, या दूसरे अभी इतने चीजें कर चुके हैं और मैं नहीं कर पाई हूँ, तो मेरा नहीं होगा या नहीं हो पाएगा या डिफिकल्ट है। तो ये एक थॉट प्रोसेस चेंज करना है। देखो, सबका जो प्रिपरेशन का स्टाइल होता है अलग होता है। बहुत लोग तुम देखोगे, वैसे मेरे 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 साथ जो प्रिपेयर कर रहे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका जो है एग्ज़ाम के पहले 4 बार पढ़ लिया है, और मैं क्या हूँ कि मैं 2 ही बार पढ़ा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 4 बार पढ़ लिया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। अब मैं अगर ये मान लूँ कि यार 4 बार पढ़ लिया है तो डेफिनेटली उसका हो जाएगा, और मेरा प्रॉब्लम। तो ये जब माइंडसेट माइंड में ये डाउट आ जाता है ना, तो ये जो है तुम्हारा जो प्रोग्रेस है, एक तो वो हैम्पर करेगा, दूसरा रिजल्ट भी अफेक्ट करता है। तो
मैं मतलब ये प्रैक्टिकली देखा हूँ कि इट डजेंट मैटर कि आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, आप अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस रखते हो वो मैटर करता है, और वो तो तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने अंदर डाउट दोगे कि कॉन्फिडेंस दोगे, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि नो बडी कैन टेल कि हु इज गोइंग टू परफॉर्म गुड। मतलब बहुत लोग होते हैं बहुत पढ़े रहते हैं तो भी उतना परफॉर्मेंस नहीं आता, बहुत लोग होते हैं कि ठीक है एवरेज पढ़े हैं बट रिजल्ट अच्छा ले आए। तो तुमको जो है बेसिकली रिजल्ट अच्छा लाना एम होना चाहिए, उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो तुमको करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए कि एक अपने अंदर एक सेल्फ फेथ, और अपने जैसे पढ़ रही हो जो वे में पढ़ रही हो उसके ऊपर एक बिलीफ, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर वे होता नहीं। मतलब कोई यूट्यूब पे आके या यहाँ आके तुमको एक वे बता दे कि दिन में 3 भाग डिवाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे पढ़ हाँ लो, वो होता नहीं है। जितना भी कर लो सबका अलग ही है, ले दे के एट द एंड होता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को तुम कम से कम 1 या 2 बार या 3 बार एक बार तुम्हारे आँख के सामने से जाना चाहिए, ताकि वो अगर एग्जाम में आए तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्राइक करे, कुछ कोरिलेट करे और आंसर मार्क कर दे। क्योंकि एकदम पूरा पूरा पढ़ा हुआ तो आता नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें पढ़ी हुई कोरिलेटेड आती हैं, जो कि तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाता है सॉल्व। और हमको कोई पूरा पूरा 300 में से 300 तो करना नहीं, इतना करना है कि सेलेक्ट हो जाए, और उसके लिए उसी हिसाब से मेहनत करना है। तो डजेंट मैटर कि अभी तक उतना चीज़ नहीं हो पाया, स्टिल यू हैव अराउंड 90 डेज ना, 90 दिन है तुम्हारे पास, बहुत है। इतने इन दिनों को अगर तुम अच्छे से प्लान करोगी तो ये तो हुआ प्रॉब्लम का पार्ट। अब आते हैं कि प्लानिंग में कैसे तुम उसको बेटर कर सकती हो। आज जो तुमको करना है एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट और तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम हो कहाँ पे इन 90 डेज में। तो एक शेड्यूल बनाओ जिसमें कि तुम अपना प्लान करो कि इतने दिन में जो है, और रिवीजन स्टार्ट कर देना है कल से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो 4 सब्जेक्ट छोड़ी हो वो नहीं पढ़ोगी, उसको कैसे इंक्लूड करना है देखो। एक तो जब तक तुम रिवीजन स्टार्ट नहीं करोगे ना, तुम वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि विद एवरी पासिंग डे तुमको लगेगा कि दूसरा बंदा रिवाइज कर रहा है और मेरा तो अभी पुराना सब्जेक्ट ही चल रहा है। ना पुराना सब्जेक्ट खत्म होगा ना तुम रिवीजन स्टार्ट कर पाओगे। तो बेस्ट वे यही है कि जो भी अभी लैगिंग बिहाइंड सब्जेक्ट रह गया है रिवीजन स्टार्ट कर दो, और उसको बाई बाई साइड उसको लेके चलो। मतलब तुमने क्या किया, रिवीजन अपना प्लान किया, और रात का जो है 3 घंटा या 4 घंटा या कोई ऐसा टाइम जब तुम फील करते हो कि तुम बेटर पोजीशन में हो, उस टाइम पे वो जो लैगिंग सब्जेक्ट है उसको रखो और उसको साथ में लेके चलो विद रिवीजन। अब ये नहीं कर सकते कि जो छूट गया है सब्जेक्ट उसको पूरा पूरा उठा के पढ़े। तो या तो ऐसे भी कर सकते हो कि हाफ डे लगातार 3 4 दिन तुम वो एक नया सब्जेक्ट को रखा और हाफ डे जो है रिवीजन के स्टफ को रखा, बट तुमको अब साथ लेना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कर सकते कि अब 5 दिन तुम वही सब्जेक्ट पढ़ती रहो, क्योंकि वैसे करने से फिर दिक्कत हो जाएगा कि जहाँ मिड अक्टूबर आता है जैसे फिर। मैंने कुछ फर्स्ट सेकंड ईयर के सब्जेक्ट करे हैं, जैसे बीकेएम एंड आर्ट जो मैं बता रही हूँ, तो ये मुझे करने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि लाइक अगर इसका क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा तो मैं हाँ, मुझे तो आ रिवीजन करने जाएगा। की जरूरत है ना, एक ही बार में नहीं होता है वो नहीं आता है वो फील, क्योंकि चीजें जो वॉलेटाइल होती हैं जब तक बार बार स्ट्राइक ना करे माइंड में वो इम्प्रिंट नहीं होता। तो हाँ रिवीजन इसीलिए तो बोल रहा हूँ रिवीजन स्टार्ट करो, क्योंकि रिवीजन स्टार्ट करोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वही चीज दोबारा जब आई इसके पास सामने से जाएगी तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है अब हम बेटर रिटेन कर पा रहे हैं। सर, मैं रिवाइज अपने वीक सब्जेक्ट से करूं या फिर जो मुझे थोड़ा ठीक लगता देखो है? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऑल 19 सब्जेक्ट्स यू हैव टू रिवाइज। तो ये माइंड से एक ये भी जाना चाहिए कि कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगी कुछ नहीं पढ़ूंगी, तो वो वाला काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे करने से फिर सिलेक्शन होता नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है और मान लेना है कि पढ़ना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, करना है तो करना है किसी तरीके से। 2 रिवीजन तो मानना ही है, 2 मतलब मिनिमम रिवीजन है। तो जब सारा चीज पढ़ना है तो मेजर से स्टार्ट करें कि माइनर से, वीक से कि स्ट्रांग से, डजेंट मैटर। अगर कल तुम्हारा मेडिसिन का एग्जाम है तो मेडिसिन आज पढ़ना ही है, ऑप्शन नहीं रहता। जब तुम अपने पास ऑप्शन नहीं छोड़ती हो तो अपने आप ही दिमाग खोज लेता है किस हिसाब से पढ़ूं कैसे पढ़ूं, तब किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कल एग्जाम है और आज पढ़ना ही है, क्योंकि सुबह तुमको 9 बजे पेपर देना है। अब अभी पढ़ो चाहे ना पढ़ो देना ही देना है, तो अपने आप ही तुम बैठ के उठ के पढ़ने लगोगे। तो मान के चलना है कि एग्जाम फेज आ गया है, अभी नहीं अगर समझोगे कि एग्जाम नहीं आया है तो फिर डिफिकल्ट है। बस मतलब समझ लेना है कि बस आ ही गया है, बस अगले महीने ही है एग्जाम,
और बैठ के बस पढ़ना है तो पढ़ लेना है। मतलब ये 3 महीना जो है ना, हम लोग बोलते हैं ना, मतलब या तो तुमको बना देगा या तो तुमको फिर गिरा देगा। भले तुम पूरे साल क्या की, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर टू मी, इट डजेंट मैटर टू द एग्जामिनर ऑल्सो। तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, ये मैटर करता है। और कैसे करोगी, ये 3 महीने में अगर अच्छे से लग के पढ़ ली तो किसी का वो नहीं है कि तुमको रोक दे सेलेक्ट होने से। समझ रहे, तुम्हारा ऑलरेडी 1 साल इंटर्नशिप हो चुका है। दिस ईयर यू आर मतलब मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हु शुड क्लियर दिस एग्जाम। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो फ्रस्ट्रेशन आएगा, नहीं होगा तो ना फिर मोटिवेशन कुछ सुन के भी आता है ना वैसे भी आता है। और जब एग्जाम के बाद जब रैंक नहीं आता तो यू फील ब्रोक, और 1 महीना ऐसे ही खराब होता है। तो नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन क्या रहने वाली है, नो वन नोस। इसीलिए अभी के बेसिकली मेरा कहना है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज है, सबको अभी डाल दो पेंडिंग में, कि एक बार मैं एग्जाम दे लूंगी, फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट। लेकिन जब तक एग्जाम देना है तब तक उसको पेंडिंग रखती हूँ। और ये भी देखोगी कि वंस यू आर ओवर विद द एग्जाम, मतलब जब एक बार चीजें थोड़ी सी हो जाती है तो वो सब प्रॉब्लम भी अब इजी लगने लगते हैं। यू कैन बेटर सॉल्व इट वंस यू आर फ्री विद दीज। तो एक साथ दो जगह पे पैर रख के मतलब पार नहीं होता जर्नी। तो डेडिकेटेडली ट्राई करना है कि स्टार्ट करो चीजों को फिर से पढ़ना। बहुत कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि बहुत स्ट्रांग हूँ इस सब्जेक्ट में, पढ़ूंगी नहीं। ऐसा बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि अरे यार ये सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है, दूसरे को पढ़ता हूँ, और स्ट्रांग में गलती करते हैं। तो सबको अभी अभी का समय ये है कि सबको एक जैसे मान के बस कीड़े के जैसे पढ़ना है। पढ़ना है तो पढ़ना है और खत्म करना है। एम्स पहला टारगेट रखो, एम्स के पहले कोशिश करो कि एक रिविजन तो मारो ही। एम्स का एग्जाम का डेट क्या दिया, 20th, 20 नवंबर 20 नवंबर कंबाइंड का। आज है ये अक्टूबर 1st, 4th ना, 4th है, फोर्थ सिक्स फिफ्थ सिक्स्थ, ओके। तो 6th ऑफ अक्टूबर है। और मैं ले देंगे तुम्हारे पास अराउंड कितने दिन, अक्टूबर नवंबर 20 डेज, 20 मीन्स अराउंड 45 डेज। तो 45 डेज इज मतलब जो आइडियल टाइम बोलते हैं कि एक रिविजन का होना चाहिए, पहला रिविजन। तो बना लो टाइम टेबल, शेड्यूल बना लो, और जो लैगिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको डालो कहीं शाम में कभी भी। और मतलब बस कर जाना है, कर जाओ। और दूसरी चीज मतलब एक तो ये हो गया शेड्यूल बना रही हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि ग्रैंड टेस्ट जो नहीं दे रही हो, इसके पहले महीना एक एक भी दिन ग्रैंड टेस्ट नहीं दिया इस डाउट में कि अभी तक हुआ नहीं है। तो ये डाउट जो लोग 3 साल प्रिपेयर करता है उनका भी रहता है। तो क्या तुम दोगी नहीं ग्रैंड टेस्ट, एक ग्रैंड टेस्ट देना सर है 15 डेज में, मिनिमम एक ग्रैंड टेस्ट देना है। मैं जब शुरू से स्टार्ट की थी तो मैं लाइक हर 10 डे पे जीटी देते रही थी, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं उस जीटी को रिव्यू नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं रिव्यू करती थी तो मुझे लगता था कि अभी तो मतलब मैं अभी तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ ना अपने सब्जेक्ट, अभी तो मेरा 2 हुए हैं, 4 हुए हैं, मैं इसे रिव्यू कर लूंगी। जैसे ही वंस मैं हर चीज कंप्लीट कर लूंगी मैं इनको आऊंगी वापस और रिव्यू करती जाऊंगी धीरे धीरे। तो लाइक जो मैंने दिए भी है ना जीटी, उसमें भी मुझे लाइक वो सब चीज हो गई है कंपाइल की। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना छोड़ दिया है और मैं बस आगे बढ़ी जा रही थी, तो ऐसे ये वाली फिर से फीलिंग आ उस रही है। पहले प्रॉब्लम पे, नहीं दूसरे प्रॉब्लम पे जाता है जहाँ पे तुम अपने आप को जज करती हो। तो छोड़ दिया है, नहीं होगा, या इतना चीज पेंडिंग हो गया, ये सब सोचना ही नहीं है। निगेटिव थॉट लानी नहीं, ये फेज ही नहीं है निगेटिव थॉट लाने का। दूसरी बात की जीटी देने का, देखो जो मकसद बोलते हैं, मतलब हमारा जो पर्पज है वो ये नहीं है कि हमको सारे क्वेश्चन आ जाए। जीटी देने का मल्टीपल पर्पज है, मतलब तुमको 10 ठो गिना सकते हो। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक होता है जो टेस्ट मैच की प्रैक्टिस होती है ना, कोई भी धोनी जाता है मेन क्रिकेट आईपीएल और ये एक वर्ल्ड कप खेलता है, तो पहले वो अपने टेस्ट ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता है, वो डायरेक्ट जाके नहीं वर्ल्ड कप खेलता है। तो भाई प्रैक्टिस चाहिए, आपको दिमाग को ट्रेन करना है। 3 घंटा बैठ के 300 क्वेश्चन में जिसमें से बहुत से नहीं आ रहे हैं, कैसे तुम को अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे कि 4 में से 2 और रूल आउट कर दिया, आप 2 में से सही आंसर मार्क करना है। कैसे समझो कि कौन सा गट फीलिंग तुम्हारा बेटर है, कौन किसको बिलीव करना है एग्जाम में। तो ये तो टेस्ट मैच एक होता है कि खेलना होता है तुमको समझने के लिए, ट्रेन करने के लिए, ताकि उस समय मेन एग्जाम में तुम अच्छा करो। दूसरा चीज, बहुत बार जो लोग जीटी और ये सब देने से डरते हैं, वो लोग मेन एग्जाम में क्या होता है उनका हो जाता है एड्रेनालिन रश। एग्जाम के चलते इतना पीयर प्रेशर के चलते इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। सही जो जानते हैं वो भी याद नहीं आता है, और जो सही मार्क कर रहे होते हैं उसको भी घबरा के दूसरा चेंज कर देते हैं बाद में।
और गलत निगेटिव हो जाता है। तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम ग्रैंड टेस्ट में टॉप करो या ग्रैंड टेस्ट में इतना मार्क्स ले आओ, 600 ले आओ, 700 ले आओ, 800 ले आओ, वो मैं चाहता ही नहीं। तुमको देखना ही नहीं है कितना मार्क्स है। तुम्हारा जो ग्रैंड टेस्ट का पर्पज है, तीसरा पर्पज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे लैक कर रही हो, किस सब्जेक्ट में तुम हो, कि एग्जामिनर तुमसे ये चीज जानना चाहता है, तुमको नहीं आता है, और वो सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा, मतलब एक ग्रैंड टेस्ट दिया तुम, देखी 6 सब्जेक्ट्स है या 4 सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारा वर्स्ट परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मिंग 4 सब्जेक्ट देख लिया। उसके बाद एक तो जो रॉन्ग किए हो, अगर टाइम कभी मिले, ऐसा नहीं है कि ग्रैंड टेस्ट दी और उसके दूसरे दिन ही तुम पूरा सोल्यूशन देख लियो, वो पॉसिबल नहीं होता है, कभी नहीं हो पाता। लेकिन ये कर सकती हो कि उस वीक में कम से कम जो जो रॉन्ग मार्क किए हो वो तुमको रेड शो करेगा, उसको सर देख लो। मुझे सब बोलते हैं कि तुम जिस दिन जीटी दे रही हो उसी दिन पूरा बैठ के सॉल्यूशन देख लो, पॉसिबल नहीं और जीटी होता है, देने मैं के बाद समझ रहा मेरे हूँ। दिमाग ही नहीं काम हाँ करता है कि हाँ मैं इतना समझ एनर्जी, रहा मुझे हूँ। लगता है कि मैं तो नोट्स भी नहीं रीड कर पा रही हूँ, आई सॉल्यूशन कैसे दे अंडरस्टैंड, सकूँ। मैं गया हूँ तो इस फेस, जो कितने बच्चे से बात किया हूँ जो इस फेस से गया है, तो प्रैक्टिकली देखो, बोलने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है। अब हम मतलब ऐप का नाम तो नहीं लेंगे, बट इतना ज्यादा मतलब ओवरलोड कर दिया है लोगों को। देखो पढ़ाई पहले भी होती थी, एग्जाम यही था, जब ऑफलाइन कोचिंग होती थी तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ थिंग दिया जाता था हर सब्जेक्ट में। अभी क्या है, 100 घंटे का, 150 घंटे का लेक्चर बना दिए। अब वो पॉसिबल है कोई मोबाइल में बैठ के देखेगा इतना? तो एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है पूरा बच्चों का, ऊपर से फ्रस्ट्रेट अलग होते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। उतना ही करना है जितने में सिलेक्शन चाहिए। हर सब्जेक्ट तो देखो कोई लिमिट नहीं है। अगर हम कहें ENT, तो हम ENT में पढ़ाने को तो हम पढ़ाते ही जाएंगे। 3 साल MS का पढ़ाई है, उसके बाद का पढ़ाई है, तो हर सब्जेक्ट में तुम MD MS नहीं कर सकती। बट तुमको उतना जानना है जितना तुमसे तुम्हारा नीट का एग्जामिनर लोग जानना चाह रहा है, और उतना जानने के लिए ये 1 साल का प्रिपरेशन या 6 महीने का प्रिपरेशन, अगर तुम ठीक से पढ़ी हो तो ठीक होता है, मतलब ठीक ठाक रैंक आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा चॉइस का चीज मिल जाता है। अब यही है कि लोग जो है इतने वास्ट नॉलेज में खो जाते हैं, और फिर जब कुछ नहीं कर पाते, रिवाइज भी नहीं हो पाता, एक ही रिविजन नहीं हो पाता, फिर हो जाता है फिर वही फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का साइकिल। तो हम लोग थे कि ग्रैंड टेस्ट देने के उस पे, तो इसमें से ग्रैंड टेस्ट दोगी उसी दिन पूरा नहीं करना है, होता नहीं है। और एक तो इतना सैचुरेट हो जाते हो ना एग्जाम देने के बाद, फिर मन भी नहीं करता है। तो उसको ओवर द वीक जो जो रॉन्ग है उसको देखो, और जो 4 सब्जेक्ट जो खराब है, वर्स्ट परफॉर्मिंग 4 है या 2 सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो अपने नोट्स से, अपने वीडियो से, या जिससे भी पढ़ी हो। तो क्या होगा ना कि मतलब बेसिकली ग्रैंड टेस्ट में एक ही चीज इंपॉर्टेंस देना है तुमको, कि प्रोग्रेस। अगर एक ग्रैंड टेस्ट जो तुमने दिया उसमें तुम अगर 600 पाई हो, तो नेक्स्ट वाले में तुम यू शुड बी गेटिंग 620, 630, ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एक तो ये तुम जज कर सकती हो कि ओवर द वीक जो तुमने पढ़ा वो कितना प्रोडक्टिव था, तुम सही लाइन में हो कि नहीं। तो ग्रैंड टेस्ट तो देना है बस, मतलब 12 दिन, 14 दिन या डेट जब शेड्यूल में डालना तो उसमें लिख देना ग्रैंड टेस्ट। महीने में अगर 2 दे पाओ, 3 दे, मतलब 3 मैक्सिमम होगा, 2 मिनिमम होगा 1 मंथ में। और बाकी MCQ करना है। अब जो है वो फेज आ गया है कि थोड़ा सा MCQ को टाइम दो। तो MCQ के लिए देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी सोर्स है, ऐप है, डिफरेंट ऐप है, तो कोशिश करना पहले प्रीवियस ईयर के सब कर लेना, 3 ईयर्स जो प्रीवियस है, एम्स है, NEET PG है, और अभी तो ये जिपमर और ये सब भी आ रहा है इसमें कंबाइंड में, बट पहले एम्स और NEET PG टारगेट करना, NBE और एम्स, 3 साल के क्वेश्चंस करना ही करना है। मतलब कोई भी कंपटीशन में तुमको वो जानना है जो तुम्हारा कंपटीटर जान रहा है, वो एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा कंपटीटर क्या जान रहा है, मिनिमम 3 साल का सब सॉल्व करता है, तो पहले तुमको वो सही करना है, क्योंकि उसमें अगर तुम गलत करती हो ना, मिस्टेक करती हो, जो तुम्हारे अगल बगल के 100 बच्चे सही कर रहे हैं, तो तुम गेम से आउट हो जाती हो। तो तुमको गेम में बने रहने के लिए वो 3 साल करना ही करना है। तो पहले प्रायोरिटी में हमको वो चीजें कंप्लीट करनी है जो सबको आता है, सबको आता है 3 साल का पेपर। 3 साल का पेपर के क्वेश्चन से चालू करो, वंस यू आर डन विद इट, तुमको लगता है हाँ ठीक है अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तब कुछ और करो। इतना मॉड्यूल है, करते करते आदमी का जिंदगी खत्म हो जाता है, तो उसका लिमिट नहीं है। हाँ सर, और जो ये मैंने क्वेश्चन बैंक कर रखा है मेरे का, तो लाइक मैंने कंप्लीट कर रखा है 650, अराउंड 700 इतना ही तो वही हुआ तो है। बोल रहे हो, लोग करते जाते रिवाइज कब करेगा, देखेगा कब, हाँ कोई भरोसा रिवाइज, नहीं। ये मुझे ये सब भी है कि मैं उसको भी रिवाइज करूंगी अब, मतलब
उसको भी मैं सब्जेक्ट वाइज तो उसको वही तो साथ मैं बोल लेके रहा हूँ एडवाइस करने की कि कोशिश देखो, करूँ। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट हमारा एग्जाम का मेन फंडा क्या है? मतलब अगर हम बोले वन लाइन, एक लाइन में, तो यू हैव अ सी टू रीड, यू हैव टू कन्वर्ट दैट सी इनटू अ रिवर, एंड दैट रिवर इनटू अ पॉन्ड, एंड फाइनली इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर दैट यू कैन ड्रिंक एंड गो इनटू द एग्जाम. और जब तक ये पॉसिबल नहीं होता है, मतलब हम रिविजन्स क्यों करते हैं सब्सिक्वेंट? इसलिए कि हम विद एवरी रीड हम चीज़ों को नैरो डाउन करेंगे. हम एक बहुत शुरू में जब पढ़े थे तो हमको 45 डेज लगा था पहला रिवीजन में. अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो हम मार्क कर लिए, हमको आइडिया है कि अब हमको नेक्स्ट रिवीजन में ये चीज़ पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है. तो हमको वो चीज़ जो 45 डेज लगा था वो हम 25-30 डेज में ही कर लेंगे इस बार. उसके बाद में मेरा 20 दिन में ही हो जाएगा. तो ये वाला चीज़ जब तक नहीं आता तो वो मोमेंटम बिल्ड नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं होता सारे रिवीजन. अब ये है कि उसी को भी तुम बना दोगे यूनिवर्स, तो फिर कहाँ से वो होगा छोटा? तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है सभी के साथ. कोई बात नहीं, सभी उसी उसमें है. बट मैं कहूँगा कि पहले प्रायोरिटी दो पुराने साल के क्वेश्चंस को करो, उसके बाद यू शिफ्ट टू एनी अदर थिंग, क्योंकि वो प्रायोरिटी पे तो है. सिली तो मिस्टेक मैं बोलते उसको हैं एज ए हम. क्वेश्चन जीटी के फॉर्म में कर लेती हूँ, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो पूरा डला है कि या फिर उसको जैसे सब्जेक्ट टाइमर वाइज भी लगाओ. डले हैं। हाँ डेली देखो, मैं बोलूँगा ना हैबिट मिल जाओ. कोई चीज़ हैबिट मिल जाती हो ना तो वो चीज़ फिर मिस नहीं होता. एक हैबिट बना लो कि 9 से 10 का समय या 9 से 11 का समय मेरा एमसीक्यू वो डिवोटेड है. तो डजेंट मैटर मैटर कि बाकी टाइम तुमने क्या किया, 9 से 11 तुम एमसीक्यू करोगे. उसमें कितना करती हो डिपेंड्स ऑन यू. बट मतलब लोग बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज 100 to 150 करना चाहिए, बट मैं नंबर नहीं देता क्योंकि फिर पीयर प्रेशर बढ़ता है. जो करो अच्छे से करो, ये इम्पोर्टेंट है. तो 2 घंटा दो डेली. मतलब विद टाइम क्या होगा ना, जैसे होता है कि बैंक में होता है कि अगर आप ये आजकल म्यूचुअल फंड लोग बोलता है कि आपका जो है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो जाएगा. आप कुछ कुछ हर महीने पैसा देते जाइए, आपको अचानक से 20 साल के बाद इतना पैसा मिल जाएगा. तो ये एमसीक्यू भी वैसे ही, अगर आप डेली करोगे 2 घंटा, तो बाय द एंड यू रीच योर एग्जामिनेशन, नियर योर एग्जामिनेशन, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा नॉलेज क्रिएट हो जाएगा. पर एमसीक्यू जो है बहुत अच्छा वे होता है कोई भी चीज़ को वो करना. तो कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है ये भी कर सकती हो. कोई भी सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ा जा रहा, जैसे मेरे लिए फार्माकोलॉजी था, तो मैं क्या करता था उसको एमसीक्यू करता था. एमसीक्यू से किया, एमसीक्यू में अब जब नहीं आ रहा है तो अपने आप ही तुम यू आर बाउंड टू रीड दैट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि तुमको नहीं आता और तुमको एक्सेप्टेबल नहीं है. तो एनीवे तुमको पढ़ना है, तो चाहे तुम अगर थ्योरी या वीडियोस से या नोट से, और उससे नहीं हो रहा है तो उसके एमसीक्यू स्टार्ट करो. जहाँ गलत होगा तुम अपने आप उसको पढ़ना चालू कर दोगे. तो ये एक अदर रेट्रोस्पेक्टिव वे होता है जिससे तुम पढ़ सकती हो. तो मेरा टेक अवे ये 3 है मेजर. शेड्यूल योर सेल्फ, मतलब अपना शेड्यूल बनाओ पहला रिविजन का, और चीज़ों को कम्प्लीट करो. एमसीक्यू डेली सॉल्व करना है और जीटी देना है मिनिमम 2 to 3 इन अ मंथ, विच एवर इज पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग कि 3 इज गुड, बट 2 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. बोलो. ओके सर। कुछ और जो पूछना है? नहीं सर, और मतलब थैंक यू सो मच, हाँ आपने मुझे इधर कनेक्ट कर लिया। अदरवाइज मैं यस. सोच रही थी कहीं आप गुस्सा ना हो जाओगे, ना मैं ना वहां पे ऐसा कोई पहुंच बात नहीं नहीं. हो आई पा वॉज रही हूँ। ट्राइंग, एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग इंस्टा लाइफ की देखूँ क्या है कैसे. तो क्या होता है ना कि मतलब वाइडर पॉपुलेशन तक चीज़ें जाएंगी, बट डजेंट मैटर. मैं अगर एक को भी हेल्प कर पाया तो इट्स वेल एंड गुड फॉर मी. ठीक है. तो आई थिंक कि तुम अब अच्छा करोगी. यू हैव गेन्ड हाँ दैट, यू हैव रिमूव्ड योर डाउट्स. जज करना बंद करो. यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट. सब करता है, तुम क्यों नहीं करोगे? हाँ